बुरहानपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। बुरहानपुर विधानसभा सीट से अर्चना चिटनिस और नेपानगर विधानसभा सीट से मंजू राजेंद्र दादू ने जीत दर्ज की है। हालांकि बुरहानपुर सीट से बीजेपी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को अपना प्रत्याशी बनाकर जब चुनावी मैदान में उतारा था तो उनका खासा विरोध हुआ और बागी के रूप में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय अनंत कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए थे। लेकिन बुरहानपुर के मतदाताओं ने कांग्रेस और बागी को नकार कर बीजेपी के विकास पर मोहर लगाई है। वहीं नेपानगर सीट से मंजू राजेंद्र दादू ने कांग्रेस की गेंदुबाई चौहान को करीब 44,000 से अधिक वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी है। बीजेपी की प्रचंड जीत पर खंडवा बुरहानपुर से लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। मोदी जी का नेतृत्व जिस पर न केवल बुरहानपुर बल्कि सारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबने अपना भरोसा मोदी जी के नेतृत्व पर जताया है और भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता, हमारा संगठन विकास, सेवा, गरीब कल्याण, ये एक प्रकार से कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत ने जीत के प्रचंड बहुमत की। इस बार सरकार बनाने में निमाड़ की बड़ी भूमिका रहेगी और निमाड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है, उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीते। सेमीफाइनल जीता है आपने, ऐसा लगता है विधानसभा निश्चित रूप से फाइनल भी हम ही जीतेंगे। फाइनल में भी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की झोली में देश प्रदेश की जनता डालने वाली है। लोगों की गलत सोच है, दूसरी जगह कांग्रेस हारी है तो क्या एमआईएम खड़ी है क्या? ये ब्लेम लगाना कि एमआईएम ने चुनाव हराया, 230 सीट पे तो बीजेपी एमआईएम खड़ी नहीं है, बाकी दूसरी जगह पर कांग्रेस हार रही है तो उसकी जवाबदारी भी हमारी रहेगी, नेपानगर की भी हमारी रहेगी जवाबदारी। क्या यानी गलत फहमी जो उड़ाई जाती है कांग्रेस की तरफ से दूसरे लोगों की तरफ से, खास करके मैं बनाना चाहता हूँ जो लोग बिके हुए दूसरों को बिकने के सोचते हैं वो हमारे सांसद जी की जीत है, हमारे सीएम साहब की जीत है, हमारे मोदी जी की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय हो रही है और विजय हो चुकी है। मैं इस विजय के लिए यहाँ की जनता का आभार करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेताओं का परिश्रम, हमारे नेतृत्व और हमारी सरकार की विकासशील योजनाओं को देता हूँ। हमारी सरकार ने जो लाडली बहना से लेकर विभिन्न योजनाएं चला रखी जिससे जनता को लाभ हो रहा है, जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, राजस्थान में बन रही है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी का जादू चला है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम सामने आया है। एक मध्य प्रदेश में जो अभी खबरें आ रही है कि एक लहर सी भाजपा की चली है, तो मुख्यमंत्री का लाडली बहना वाला जो था कार्ड वो चल गया है, उस वजह से हमको निराशा हाथ लगी है। और बुरहानपुर की जहाँ तक पर्टिकुलर बात करेंगे तो बुरहानपुर में एमआईएम के उम्मीदवार ने लगभग 33-34 हज़ार वोट लिए और हमको 30-31 हज़ार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हमारी बुरहानपुर विधानसभा को लेकर ये मुख्य कारण है।